हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपक तोमर। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, दिस इज द स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, यू कैन सी हियर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक के बारे में। आज हम बच्चों से पूछेंगे कि इन्होंने इसको कैसे बनाया है और इसमें कितनी कॉस्ट लगी है। तो चलिए स्टार्ट कर। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन from Sai Kiran. Sai Kiran, please tell me that from where did you get this idea of making a smart blind stick? Sir, few days back when I was coming to the college, I have seen a blind person crossing the busy street. Fortunately, at that time I have able to help him. But I think that we need to do something for the blind person that they can stand on their. Okay, Shubham. अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। यहाँ पे एक मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक आर्डिनो ओनो यूज किया है, और एक यहाँ बजर अटैच किया आर्डिनो ओनो से, और एक स्विच अटैच किया है जिससे आप इसको ब्लाइंड स्टिक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अंदर इसके हमने एक बैटरी लगाई हुई है। तो स्विच का पर्पज ये है कि अगर बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड है तो ज़्यादा ट्रेन हो सकती है, तो स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है। और इंटरनली मैंने यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर अटैच किया हुआ है जिससे वो अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है ब्लाइंड मैन के वॉकिंग करते चलते टाइम तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। हाँ, तो इसके यहाँ पे मैंने एक बजर फिट किया हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है। तो इंटरनली मैंने एक आइडियल अपना थोड़ा सोचा कि अगर ब्लाइंड मैन अगर है तो क्या पता उसको थोड़ा वो डेफ भी हो तो क्या पता वो सुन ना पाए इसके बारे में कि ये बजर कैसे वर्क करता है। That's a great idea. Yes sir. तो अंदर से मैंने यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग मोटर अटैच की है जो कोई भी स्मार्टफोन्स में आपके छोटे मोबाइल फोन्स होते हैं जो नोकिया वगैरह के होते हैं तो उनमें मिल जाता है आसानी से, तो उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया इंटरनली जिससे वो डैमेज भी ना हो बाहर रह के और वो ब्लाइंड मैन के हाथ में रहे जो कोई ऑब्स्टेकल आए तो बजर भी बीप करे और वो वाइब्रेटिंग मोटर भी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये काम कैसे करता है? कैन यू शो द डेमो? कैन यू शो द वर्किंग ऑफ दिस स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक? यस सर। सो दिस इज द स्विच, मैं पहले इसको ऑन कर दूंगा। तो इस स्विच से अभी ये आर्डियो को पावर मिल चुका है, आप देखेंगे तो लाइट जल चुकी है इसकी। तो इसकी रेंज मैंने 75 सेंटीमीटर कर रखी थी। हाँ, तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं और यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, इसमें ऑब्स्टेकल आता है तो ये बीप करती है, और अगर कोई सामने से पर्सन आया तो वो भी बीप करती है। ग्रेट। और अगर आप इसको पकड़ के देखेंगे तो वो बीप के साथ साथ वाइब्रेट भी करती है यहाँ पे। ओके बच्चे, ये बताओ कि आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? It took us 2 days to collect the material, okay, and approx 3 hours to make this whole component or okay stick, and approx half an hour to program in the Arduino, okay, and that's it. Okay, Arjun, अब बताइए कि इसमें कितना जो खर्चा हुआ है, cost कितना लगा इसको बनाने में? सर, इसमें जो मटेरियल्स हैं उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी 450 के अप्रॉक्स लगी थी, और ये जो स्टिक है वो हमें स्क्रैप से मिली थी और हमने इसको यूज कर लिया। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो इन फ्यूचर? कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो और कैसे इसको बेटर कर सकते हो? सर, इसको मॉडिफाई करने के लिए सर हम एक तो पहली बात तो इसमें हम एक GPS ट्रैकर ला सकते हैं जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन का जो वो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो कहीं लोकेशन ट्रैक हो जाती है कहाँ पे हैं। ओके, तो और इसमें इसको हम जैसे भी थोड़ा वेट ज़्यादा है इसका, तो इसको हम लाइट वेट कर सकते हैं उसको, और सर इसको थोड़ा फोल्डेबल और पोर्टेबल हो सकता है ये, इससे इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं हम इसको, और सर वाटर प्रूफ बना सकते हैं इसको, ओपन है पूरे, तो अगर रेन में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ट्राई किया इसको वाटर प्रूफ बनाने का, तो ऐसे बस इसके ऊपर अगर वो ढक देंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन और अच्छे से इसको इसी सर्किट यहाँ पे यूज ही ना हो, अंदर ही रहे इसके ब्लाइंड स्टिक के। ओके, और ये आर्डिनो की प्लेस में हम LDR यूज कर सकते हैं, कॉस्ट थोड़ा और कम रहेगा इसका। ठीक। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। तो बच्चों ने आज बहुत अच्छे तरीके से समझाया
कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको फ्यूचर में मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट के बारे में। तो ये थी सब जानकारी इस स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक के बारे में। तो बच्चों आप कुछ कहना चाहते हो अभी? सर थैंक यू डायरेक्टर सर फॉर स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, मोस्ट वेलकम, थैंक यू टू द सीनियर्स गाइड किया हमारी, हमको हेल्प किया कि हम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कॉमेंट लो एंड शेयर द वीडियो।